श्री गुरु चरण सरोज रत निज मन मकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल अस जो धायक पल चार बुद्धिहीन धनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसों सुरगु सियावल राम चंद्र जी की जय सारनम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान पुली वाला जी महाराज की जय उमापदी महादेव की जय अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय राघवेंद्र सरकार की जय। भक्तों कोरोना रूपी जो अंधकार देश सभी राष्ट्र में छाया हुआ है उसे मिटाने में बालाजी महाराज हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी सहायता करें, विश्व व राष्ट्र सभी में शांति हो, इसी कामना के साथ श्री बालाजी मंदिर होडल पर रामायण पाठ अनुष्ठान चल रहा है। बोली बालाजी महाराज की जय। इसे आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। आइए कल वाणी को जहाँ पर विराम दिया था उसी स्थान से रामायण पाठ आगे लेकर चलेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मरत तपस्या जैसी बोले मुन सुन शैल कुमारी करहूं कवन कारणु तप भारी। ऋषियों ने मां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्याई हूं। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो कहीं अपराधों का तुम चाहो हम संत सत्य मरम किन कहू कैत वचन मुनि अति सकुचाई हसऊ सुन हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो हमसे अपना सारा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा बात कहने में बहुत सकुचता है आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट पराने सुने सिखावा चैत बार पर भीति उठावा नारद कहा सत्य सोई जाना बिन पंकन हम चाहिए उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखे उड़ना चाहती हूं। देखऊ मुनि अविवेकु हमारा चाही सदा से वही भर तारा। हे मुनियों आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूं। सुनत वचन बिहे से ऋषिये गृह संभव तब दे नारद कर उपदेशु सुन कहूं बसऊ किसी गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है भला कहीं तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका भला हुआ है किसका घर बसा है।
दक्ष सुनतन उपदेशन ही जाई, तिन फ्री भवन ने देखा आई। चित्र के तू कर घरु उन घाला, कनक कसिपी कर पुन असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिक जे सुनई नर नारी, अवसी होई तज भवनो बेखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सर से सवही चैकीना। जो सत्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तही के वचन मान विश्वासा, तुम ही चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अरोह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूं कवन सुख असचर पाए, भल भी उलई ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विभाई, पुन अवेंडरी मरा नहीं ताई। ऐसे वर के मिलने से कहीं तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती जी से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू, नहीं भीख मांगे भव खाई। सहज एकाकिन के भवन कबहू के नारी खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वाले की घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजव मानू कहा हमारा, हम तुम्हें कहूं बरनी के बेचारा। अति सुंदर सूच सुखद सुशीला, गावई वेद जासू जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका सील और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्ही मिलाओ आनी, सुनत भी हस के बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सदगुणों की राशि, लक्ष्मी जी के स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूं गिर भव तनु है आ,
हटने छूटे छूटे बरुदेहा। कनकऊ पुन पासान ते होई, जारऊ सहजने पर हर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव शून्य तत्व को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। नारद वचन में पर हर बसऊं भवन उजरऊं नहीं डर के, गुरु के वचन प्रतीत न जई सपने हूँ सुगम ने सुख सीधी तैही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है और उसको सुख और सिद्ध सपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय ही कर मनोरम जाहि सन तेही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भक्त हैं और विष्णु समस्त सदगुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिलता हूं प्रथम मुनीसा, सुनतई सिक तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्मू सम्मू हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माते रखती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोष को विचार कौन करे। जो तुमरे हृदय हट विशेषी, रही ने जाई बिन किए बरेसी। तो कौतुकन आलू सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बर के लिए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ सम्मून ते रहू कुआरी। तजऊ ने नारद कर उपदेशु, आप कही सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी बरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम हूं ग्रह गबनऊ बयऊ बिलंबा। देख प्रेम बोले मुन ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पर पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पे तुमात, नाही चरण सिर मुनि चले पुन पुन हर्ष मात।
आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुन्नई हेमंत पटाए, कर विनती गिर जही गृह लियाए, बौर सप्तृष्टि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमबान को पार्वती जी के पास भेजा और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गबने गेहा, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी ने आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्म लोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयों तहि काला, भूज प्रताप बल तेज विशाला, तहि सब लोक लोकपत जीते, भय देव सुख संपत रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं को बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब रंच सन जाई पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर मरता इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब मन कहा बुझाई विद धनुज, निधन तब होई शंभु शुक्र समूह, सुत एही जीतै रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हो, इसको युद्ध वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहूं उपाय, होई ईश्वर करहीं सहाय, सती जो तज दक्ष मक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी तो दक्ष के यज्ञ में देखा त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तै ही तप की नहु शंभु पत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि आई अस्म जस भारी, तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पट बहु काम जाई शिव पाई, करे छोवे शंकर मन माई, तब हम जाई शिव ही सुरुनाई, करवाओ विवाओ बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे।
और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ऐहि विद भलौ देव होई मत अतनी कि कह सब कोई, अस्तुत सुरन की नहीं अत हेतु, प्रगटौ विस्मभान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हेतु और तो कोई उपाय है नहीं, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है, और फिर देवता बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषय पांच बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त दब्जा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर न कही निज विपत, सब सुन मन की न विचार, सम्मु ब्रेद ने कुशल मोही विष कहूं असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत कही, सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल तो अवश्य नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकार, पर हित लाग तहु जो दे, संतत संत प्रशंसई तेहि। तदापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वह दूसरे उपकारकों का परम धर्म कहते हैं, जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चलूं सवई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित साई, चलत मार अर्स हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुंस के धनुष को हाथ में लेकर वसंताती सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो अवश्य है। आइए भक्तों, आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, बोले उमापति महादेव की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।